अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची, मी हेयर उस्मान अली। आज मैं मौजूद हूँ प्रिसन 31 के विलाज में और आज आपको जो है वो 31 का एक विला, कॉर्नर का विला है फुल फर्निश्ड, उसका मैं आज आपको विज़िट करवाऊँगा कि उसके अंदर हमें जो है यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और दूसरा अगर हमें अपनी रहाइश अभी जो राइट नाउ अगर हम यहाँ पे करनी चाहिए तो हमारे लिए किस तरह यानी कि यहाँ पे बेनिफिट है। और इस स्ट्रीट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा और इसके अंदर जो है वो फैमिलीज भी रह रही हैं। और सबसे अच्छी बात इस विला की यह है कि ये कॉर्नर का है और दूसरी जो सबसे अहम बात है जो कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपना प्लॉट लेते हैं या फिर कोई विला ऐसा परचेज़ करते हैं कि जिसका हमें व्यू जो है वो एक तो अच्छा मिले और दूसरा वेस्ट ओपन मिले, तो ये जो विला है वेस्ट ओपन है। तो अभी मैं आपको जो है इसका अंदर से जो है ना वो टूर करवाता हूँ। फुल फर्निश्ड विला है और ये हम इसके मेन गेट से इंटर हो गए हैं और ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसके कर्टन और विंडोज़ पे लगे हुए हैं और साथ ही इसके जो है वो सोफ़ा सेट ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह आपको सारा ये कैमरा मैन मेरा आपको दिखा रहा होगा। इसी के साथ जो है ये आगे डाइनिंग रूम है तो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेयर्स ये सारी लगी हुई हैं, बिल्कुल रेडी है, फर्निश्ड विला है। मज़ीद अभी हम आपको आगे दिखाते हैं इसका जो मास्टर बेडरूम है नीचे। इस वक्त हम ये मास्टर बेडरूम के अंदर इंटर हो गए हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बड़े वाली LCD लगा दी है और इसी के साथ जो है यहाँ पे ये सोफ़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा और ये जो है बेड इन्होंने इसके अंदर दे दिया है और ये जो बेड है ये ऑटो बेड है, ठीक है। और साथ इसके जो है ये वार्डरोब आप चेक कर रहे हैं। इसी के साथ जो है इसके साथ अटैच वॉशरूम है, वो भी मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। बाकी अब अभी हम जो है ना इसका किचन देखते हैं। अभी हम ये किचन के अंदर इंटर हो गए हैं और किचन के अंदर भी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी प्रोवाइड की गई हैं। ये कैबिन वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है वो बड़े साइज़ में एक जो है ना वो फ्रिज दे दी है इन्होंने। फ्रिज भी आप देख सकते हैं। और ये फ्रिज जो है इसके दो डोर्स हैं, दोनों तरफ से जो है ना ये ओपन हो रही है। अभी हम आपको जो है ये ऊपर स्टेयर से लेकर जा रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन का आपको विज़िट करवाते हैं। ये ऊपर जैसे ही हम इंटर होते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है टीवी लाउंज। और बड़े ही प्यारे जो है ना यहाँ पे वो पर्दे लगाए गए हैं विंडोज़ के ऊपर, आप देख सकते हैं कलर वाइज बहुत ही जो है ना इसको उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इस विले को। और इसी के साथ हम जो है ना ये अभी इंटर होते हैं इसके फर्स्ट रूम में। बेसिकली ये 3 बेड अकोमोडेशन है इसमें 31 के विलास। और बाकी ये इसका जो है ऊपर वाला बेडरूम है, ये भी ऑटो बेडरूम है और ये जो है सैमसंग की यहाँ पे जो है ना इस बेडरूम में भी LCD प्रोवाइड की गई है।
और साथ ही ये इसकी आप वॉल्स चेक करें, यहाँ पे इन्होंने ये डिज़ाइनिंग करवाई है, वॉलपेपर लगवाया है इन्होंने साइडों पे। और इसी बेडरूम के साथ जो है ये अटैच वॉशरूम है, काफ़ी बड़े साइज़ में है। और इस वॉशरूम के अंदर जो है ना वो वार्डरोब जो है ना अंदर लगाई गई है। और नीचे ये कारपेट भी आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने यहाँ पे ये दिए हैं। इसी के साथ हम जो इसका तीसरा बेडरूम है उसको विज़िट करते हैं। और ये हम तीसरे बेडरूम के अंदर जो है एंटर हो गए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्टन है, जो पर्दे दिए गए हैं विंडोज़ के साथ, यहाँ पे इनका कलर चेंज है, कॉम्बिनेशन चेंज है, यानी कि हर बेडरूम के अंदर जो है अलग से जो है इसको डेकोरेट किया है उन्होंने। और हर रूम के अंदर जो है वो वार्डरोब दी गई है, कारपेट बिछाए हैं नीचे। और ये बेडरूम जो बेड दिए गए हैं, बेड बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के दिए गए हैं इसके अंदर। और इसी के साथ भी अटैच वॉशरूम है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अभी हम इसका जो है आपको टेरेस पे भी जाके इसका थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं कि इस वक्त टेरेस से हमें किस तरह का व्यू मिलता है। अब मज़ीद कलर वाइज बड़ी अच्छी कम्बिनेशन की है इन्होंने। अभी हम टेरेस की तरफ कोशिश करते हैं, आपको दिखाएं थोड़ा सा व्यू इसका। ये वेस्ट ओपन विला है और ये इसका टेरेस है। और ये कॉर्नर का विला है, ठीक है ना। और इसका जो है मैं आपको ये बता दूं कि इसको इसकी जो लेफ़्ट साइड है, इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है ना इसको रोड लग रहा है, और इसके फ्रंट साइड जो है वो स्ट्रीट है, और बाकी कॉर्नर का विला है। और यहाँ से हमें जो है ना बहुत अच्छा व्यू मिलता है, प्रीसेंट 30 का व्यू मिलता है। और इसी के साथ जो है हमें यहाँ से अगर हम इस विले की इस लोकेशन पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें एफिल टावर भी नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी अट्रैक्शन है यहाँ से। और जब लाइट्स होती हैं तो बड़ा अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। बाकी ये वेस्ट ओपन है। और मज़ीद सेलिंग बाइंग के रिलेटेड हमारे किसी भी कस्टमर को ये वाली अपॉर्चुनिटी चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हमारे स्पेशलिस्ट भाई हैं राणा तसवर साहब, उनका नंबर इस पर जो है वो मेंशन किया जा रहा है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके मज़ीद जो है ना इस विले के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।